फ्राइज भी साथ है, ये विंग्स भी साथ ही हैं, और ये है जी रोल्स। नहीं तस्वीर तो मैं खींच दिंदा किधर। सप्लाई जो है ये खराब हो गई थी तो ये चली है डलियन। नहीं लग तो ठीक ही रहा, इंशाल्लाह ठीक ही होगा। मैं ये देख रहा था टैंकी जिसने भी काटी है यार, बड़ी सफाई सुथराई से बिल्कुल सीधी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो खैर अभी मैं छत पे आया हूँ तो देखा है बड़ी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है, और मैंने ये देखा है ये चेक करें, हमारी टंकी जो है कट चुकी है और कट के यहीं पे पड़ी है, क्योंकि अब इसमें इंशाल्लाह ताला प्लान है कि पौधे लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डलेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे पौधे लग सकेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल टंकी जो है ये वाली नहीं रखवाई थी तो ये भी भर लेते हैं। अभी पता नहीं टैंकी चली है कि नहीं, पहले मैं देख लूँ मोटर अगर नीचे से चली होगी ना तो फिर टैंकी चल गई है और बढ़ जाएगी, अगर नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ मोटर चल रही है। अंडा तो खैर नहीं दिया और खा लिया हुआ है अंडा इन्होंने। पिछली सर्दियाँ हमने यहाँ पे पौधे लगाए थे लेकिन पौधे लगे अच्छे भले हुए फिर ख़राब हो गए, कोई चीज़ हमें नहीं मिली, मिर्चे भी लगी टमाटर भी लगे इतने छोटे छोटे से और बाद में ख़राब हो गए। अब यहाँ पे तो शाम हमारी मुर्गियाँ जो है वो खेलते हैं और अब ये सारा कुछ यहाँ से उठा देंगे और वो जो टैंकी हमने बनाई है यहाँ पर रखेंगे या फिर उसकी कोई और जगह देखेंगे, लेकिन ये यहाँ से अब उठा देंगे। मैं ये देख रहा था टैंकी जिसने भी काटी है यह बड़ी सफाई सुथराई से बिल्कुल सीधी सीधी काटी है, कहीं से भी मुझे ऊंची नीची नहीं लग रही। आप भी देख सकते हैं भाई किसी ने रख के ना दरमियान में इसी तरह ही काट दी है। गाइस मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है छत पे आके टैंकी चलाए को, तो अभी तक जो टैंकी है वो नहीं भरी, पता नहीं कितने लीटर की टैंकी है और इतना टाइम क्यों ले रही है। अभी तक यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है जब टंकी भर जाए, अभी कोई भी नहीं पानी आ रहा। फाइनली तकरीबन 15 मिनट बाद, 15 नहीं 1.25 घंटे बाद भर गई है टंकी। गाइस मैं बचत करने की जितनी भी कोशिश करता हूँ ना आखिरकार मंथ के एंड में आके कोई ना कोई चीज़ मेरी ख़राब हो जाती है और सारी बचत उसी में लग जाती है। ये ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हो चुका है, जिनमें से 2 दफ़ा तो मुझे अब याद आ रहा है। एक दफ़ा मैंने पहले बचत की थी और इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी तो 2000 रुपये की बैटरी चली, जितनी बचत की थी वो सारी लग गई। अब इस मंथ मैंने बचत की थी अच्छी खासी, कह रहे हैं कि इस तरह मैंने मुट्ठी बंद कर ली थी कि खोलनी नहीं है, बचत कर रहा था तो वो किस रीज़न से कर रहा था आगे जाके आपको वो रीज़न भी बता दूंगा तो देखेंगे। खैर कल रात मैं बेटा कंप्यूटर अपना यूज़ कर रहा था, यूट्यूब वीडियोस देख रहा था तो अचानक कंप्यूटर हो गया बंद और बाद में ऑन ही नहीं हुआ तो स्मेल लगी है तो मैंने स्विच वगैरह सारा कुछ निकाल दिया। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो जी फूक चुका है, अब मुझे नहीं पता इसकी ये सप्लाई से बदबू आ रही है तो मेरे ख्याल में यही सरी होगी जो फूकी होगी, और यहाँ पे मेरा कार्ड लगा था वो भी मैंने निकाल लिया, अल्लाह करे मेरा कार्ड जो है वो ठीक हो, अगर वो ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसका भी नुकसान है लेकिन ये अभी जाके पता चलेगा कितना नुकसान है, कहते हैं कितना महंगा नहीं होता। अभी सुबह भी मैं अपने कमरे में अभी जब विंटर हुआ ना तो फिर भी अभी भी बदबू आ रही है क्योंकि कुछ अच्छा खासा जला हुआ है। अभी जाके दिखाएंगे बाजार तो देखेंगे कितने रुपए लगते हैं, अगर तो कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ तो शायद मैं यार ये कंप्यूटर सेल कर दूं। इसी कंप्यूटर से मैं ब्लॉग्स वगैरह एडिट करता था क्योंकि आसानी से और जल्दी एडिट हो जाते थे, देखेंगे बाद में फिर ब्लॉग्स का क्या करेंगे। चलिए गए तो अभी लेके चलते हैं और दिखा के आते हैं। तो मैंने ये इसके प्रोसेसर का पंखा भी खोल दिया था तो अभी वो खुद ही बंद कर लेगा, ग्राफिक्स कार्ड भी ना आ जाएगी चेक कर लेंगे ना। चलिए अभी मैं ग्राफिक्स कार्ड भी साथ ही रख लेता हूँ। ये है जी हमारा ग्राफिक्स कार्ड, आपने कभी पता नहीं देखा है कि मेरी वीडियो में मैंने कभी दिखाया ही नहीं, तो अल्लाह करे ये ठीक हो, लग तो ठीक ही रहा इंशाल्लाह ठीक ही होगा। चलें फाइनली अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:03, तकरीबन 12 बजे से 1 बजे से जहाँ 12:30 से घर से निकले हुए हैं कंप्यूटर को दिखाने के लिए। तो पहले मेरा प्रोग्राम बना था कि सेल कर दूँ क्योंकि खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, फिर दोबारा माइंड बना के ठीक करवा लूँ खर्चा अलग करना है, फिर कंप्यूटर भी हमारा ठीक हो चुका। सप्लाई जो है ये ख़राब हो गई थी तो ये चलिए डलियन नहीं, सस्ते में काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले मैंने कंप्यूटर बेचने चला गया था लेकिन रस्ते में मैं वापस आ गया, अभी बाद में चलाएंगे, अभी मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है
तो खाना खा लेता हूँ पहले। आज ही खाने में पका हुआ है, गोश्त पका हुआ है, गोश्त भी मसालेदार, मुंह में पानी आ गया, देख के काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा। कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वापस अपनी जगह पे फिट कर दिया है, वायर्स वगैरह लगा दी हैं, लेकिन अभी मिट्टी मिट्टी आपको काफ़ी नज़र आ रही होगी, गंदा है, सफाई नहीं की हुई, ये भी इसी तरह है। चलें अभी चला के देखते हैं कि क्या बनता है भाई। अब पता नहीं इस तरफ ही लगा था या इस तरफ लगा था। अभी अल्लाह का नाम लेके चलाते हैं कंप्यूटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी चल चुका है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्यूटर चल चुका है। एक मरतबा तो मैंने सोच लिया था कि कंप्यूटर भी सेल कर देंगे। टूर हमारा एक प्लान हो रहा था जो कि मेरे मुंह से अब निकल चुका है, तो आपको बता देते हैं कि हमारा एक टूर प्लान हो रहा था जिसके लिए मैं सारे पैसे जमा कर रहा था। खैर इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, तो टूर में भी थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे। अब प्लान अब सारा एक्सपोज हो चुका है तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि कंप्यूटर भी सेल कर दूँ, टूर भी कैसे करूँ और ब्लॉगिंग भी छोड़ दूंगा, क्योंकि ब्लॉग मैं एडिट करता था अपने कंप्यूटर पे ही। तो अब कंप्यूटर ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो व्लॉग एडिट होंगे और टूर भी प्लान करेंगे। लेकिन अब पहले मैं लेके जा रहा था अपनी स्पोर्ट्स बाइक, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम था जो कि मैं करना चाह रहा था, लेकिन खैर अब मेरा प्लान चेंज हो रहा है कि मैं अपने जो है 125 होंडा को ही लेके जाऊँगा। तो खैर वो तो आहिस्ता आहिस्ता जब टूर चलेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी बाइक मैं लेके जा रहा हूँ, अभी भी शायद मेरा प्लान चेंज हो जाए। और हमारा कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह चल चुका है। अरे भाई बादल आ चुका है काफ़ी ज़्यादा गहरा, इस साइड से आ रहा है, इस साइड तो बिल्कुल साफ है, इस साइड से बादल आ रहा है अभी। नहीं तस्वीर तो मैं खेद दिता किधर। वालेकुम क्या हाल चाल, ठीक ठाक। गाइस अभी हमारा प्रोग्राम बना है फैसलाबाद जाने का, मौसम भी काफी ज्यादा प्यारा हो रहा है, तो मैं और मुजम्मल जा रहे हैं फैसलाबाद किसी काम से। गाइस अभी मैं और मुजम्मल आ चुके हैं चक्कन चीज खाने के लिए, भूख लग रही थी। गाइस अभी हमने मंगवाए हैं प्लेटर्स, तो दो प्लेटर्स मंगवा लिए, काफ़ी हमारे लिए, तो अभी ये खा लेते हैं। फ्राइज भी साथ है, ये विंग्स भी साथ ही हैं, और ये है जी रोल्स। गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे क्रीम चाट खाने के लिए, तो ऑर्डर मैंने दे दी है, अभी बस ऑर्डर। हाँ पैक ही पैक मैं कह रही है। फाइनली गाइस घर आ चुके हैं, तो मैंने अपनी जो क्रीम चाट थी वो पैक करवा ली थी, मैंने वहाँ नहीं खाई, तो अभी बैठ के मैं अपनी क्रीम चाट जो है वो खा लेता हूँ। गाइस अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम में, और अभी बैठ के अपने कंप्यूटर पे व्लॉग एडिट करने लगा हूँ, और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये छोटा सा व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अच्छा सा कमेंट कर दें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।